हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप अपने घर में सही और सुरक्षित हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं हिंदी। हिंदी विषय आज हम सीखने जा रहे हैं। चैप्टर है 3। चैप्टर का नाम वर्णमाला। चैप्टर का नाम है वर्णमाला। इंग्लिश में वर्णमाला को क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स। और हिंदी में उसे कहते हैं वर्णमाला। सेशन है पहला। सेशन का नाम स्वर। स्वर मतलब वॉवेल्स। वॉवेल्स तो वर्ड्स आपने सुना ही होगा, है ना? तो वॉवेल्स को ही हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा कि वॉवेल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। पर हिंदी का वैसे नहीं है, हिंदी का उससे अलग है। हिंदी में टोटल मतलब कुल मिलाकर 13 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 13। तो देखो कौन से स्वर होते हैं। पहला अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ। आओ मेरे साथ गिनो, ये स्वर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। जैसे इंग्लिश में वॉवेल्स और कंसोनेंट होते हैं, वैसे ही हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं। तो हम पहले सीखने वाले हैं स्वर, और हमारा पहला स्वर है अ। तो पहले यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है? कौन सी पिक्चर है ये लोग? ये कौन सी पिक्चर है? ये क्या है? अजगर। ये कौन सा एनिमल है? अजगर। और ये है अचकन। अचकन यानी लॉन्ग कुर्ता, लंबा कुर्ता, इसे कहते हैं अचकन। अ से अजगर, अ से अचकन। और अ से क्या आता है? अ से आता है अनार। तो आप देख सकते हैं कि अ से आ, ये कुल मिलाकर 13 स्वर हुए हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं अ। अ कैसे लिखते हैं? ओके, तो हमारे पिछले वीडियो में आपने रेखाओं का अभ्यास तो किया ही है। उसी रेखाओं के आधार पर हमें आज अ लिखना है। तो मुझे बताओ ये कौन सी रेखा है? इसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पिच रेखा, खड़ी रेखा, बड़ी रेखा, नहीं फिर वक्र। वेरी गुड, इसे हम कहते हैं वक्र। ये है वक्र। फिर इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोहरा वक्र। वक्र, दोहरा वक्र। फिर दोहरा वक्र के बाद हमें क्या करना है? ये रेखा को हम क्या कहते हैं? पड़ी रेखा। वेरी गुड, फिर हमें निकालनी है पड़ी रेखा। पहले हमें निकालना है वक्र, फिर दोहरा वक्र, फिर पड़ी रेखा। और पड़ी रेखा निकालने के बाद खड़ी रेखा। ये हो गया हमारा पहला स्वर। ये कौन सा स्वर है? अ। अ से अनार, अ से अजगर और अ से अचकन। तो अब हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ बिंदुए दिए गए हैं, है ना? उसी को हमें क्या करना है? गिराना है। गिराना है यानी ट्रेस करना है। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने चौक लिया है। चौक का पॉइंट पहले बिंदु पे रखा है। ये हो गया हमारा पहला वक्र, दोहरा वक्र, पड़ी रेखा और खड़ी रेखा। इस तरह से लिखते हैं अ। फिर से देखो, वक्र, दोहरा वक्र, पड़ी रेखा, खड़ी रेखा। और ये है हमारी शीर्ष रेखा। शीर्ष मतलब सर। तो इनका सर कहाँ हो गया? यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रेखा दी जाती है उसे कहते हैं
दोहरा वक्र, पड़ी रेखा, खड़ी रेखा और शीर्ष रेखा। तो कैसे लिखते हैं आप देखो, वक्र, दोहरा वक्र, पड़ी रेखा, शीर्ष खड़ी रेखा, शीर्ष रेखा। वक्र को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कर्व। कर्व, डबल कर्व, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। वेरी गुड। वक्र, दोहरा वक्र, पड़ी रेखा और खड़ी रेखा, इस तरह से हमारा अ हो गया। तो अ से अनार, अ से अमरुद, अमरुद यानी पेरू, गवा। अ से अजगर, अ से अचकन। तो पहला स्वर है हमारा अ। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक यानी किताब। यहाँ पे आपको दिया हुआ है पहला स्वर अ। तो इसे देखो कैसे गिराना है। पहले हमें निकालना है वक्र, देन दोहरा वक्र, पड़ी रेखा, खड़ी रेखा और शीर्ष रेखा। इसी तरह आपको भी आपके बुक में ये निकालना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें निकालना है वक्र, देन दोहरा वक्र, दोहरा वक्र के बाद पड़ी रेखा, फिर खड़ी रेखा और शीर्ष रेखा। अब देखो, वक्र, दोहरा वक्र, पड़ी रेखा, खड़ी रेखा, ये हो गया हमारा अ। इसी तरह आपको भी आपके किताब में पहला स्वर अ लिखना है। अ से अजगर, अ से अचकन। अभी देखो, यहाँ मैंने अ लिख दिया है, यहाँ पे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ के डॉट्स पर हमें अ निकालना है। वक्र, दोहरा वक्र, पड़ी रेखा, खड़ी रेखा। इसी तरह आपको ये पूरा पन्ना कंप्लीट करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको अ कैसे लिखते हैं ये समझ में आ गया हो।